अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली। आई होप कि सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ चिकन बिरयानी की झटपट रेसिपी। बहुत इजी, बहुत क्विकली बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने लिए थे ये वाला मग, डेढ़ मग जो है मैंने लिया था चावल का, और हाफ केजी से ज़्यादा और किलो से कम, मतलब 3 पाव के करीब हमने लिया था चिकन। और जितने मतलब 3 पाव ही हमारे बनते हैं, नहीं आधा किलो, हमारा आधा किलो से ज़्यादा थे हमारे चावल और इतना ही हमारा चिकन था, ठीक है। तो मैंने इसके लिए लिए थे हाफ के जी के करीब जो है टमाटर, मैंने उसका पेस्ट बना के, और हरी मिर्ची इसमें 5 से 6 आदद ऐड की थी, वो भी मैं उसका भी मैंने पेस्ट बना के रख लिया था। अब जी मैंने क्या करना है, हमने लेनी है 4 4 आदद मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, उसको मैंने कर लेना है ब्राउन। जब अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाएगा तो मैं उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी और साथ जी चिकन ऐड करूंगी। जैसे कि मैं पहले चिकन ही फ्राई करती हूँ, कुछ लोग जो हैं वो पहले मसाला बनाते हैं और मसाला बनाने के बाद जो है फिर उसके अंदर जो है वो स्पाइसेस वगैरह ऐड करते हैं, और सॉरी मसाला बनाने के बाद फिर चिकन ऐड करते हैं। तो मैं जो है जो वैसे भी सालन बना रही होती तब भी चिकन ही फ्राई करती हूँ, तो ये बिरयानी के उसमें भी मैंने चिकन ही फ्राई किया ताकि इसमें कच्चेपन की स्मेल ना आए जो चिकन की आती हैं। तो मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया था, नमक ऐड करके और लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करके इसकी मैं अच्छे से इसको थोड़ी सी भुनाई करूँगी। और फिर जो है जब अच्छे से इसका कलर मतलब चेंज हो जाएगा ना चिकन का, तो फिर मैं इसमें ये जो मैंने टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ ये भी ऐड कर दूँगी, और बाकी जो मैंने बिरयानी मसाला, अगर आप घर के मसालों से बनाना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और मैंने जो है वो बिरयानी मसाला शान का यूज़ किया था, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। एक जो पूरा पैकेट होता है ना, मैंने उसमें से थोड़ा सा 4 से 5 चम्मच बस रखा था, बाकी मैंने वो ऐड कर दिया था इसमें, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से स्पाइसी ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो ज़्यादा वो ऐड कर सकते हैं मसाला, और अगर घर के उसमें से बनानी है तो घर के उसमें से मसालों से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा चिकन जो है वो अच्छे से हो गया था फ्राई, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर और हरी मिर्ची जो मैंने जिसका पेस्ट बना लिया था वो ऐड करूँगी। उसके बाद जी हम इसमें बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। बिरयानी मसाला ऐड करने के बाद हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, और फिर एंड पे मैंने 1 पाव से थोड़ी सी कम जो है वो दही भी ऐड की थी। बिरयानी जो है वो अच्छी तभी बन रही होती है जब उसमें खट्टा जो है वो उसके बिरयानी और चावल के हिसाब से रखा जाए, ठीक है। जितने चावल हैं उतना ही हमने इसमें खट्टा ऐड करना है। लेकिन अगर जो लोग जो हैं वो खट्टा नहीं खाते, कम खट्टा खाते हैं, तो वो इसमें खटाई जो है वो कम भी कर सकते हैं, टमाटर और दही का इस्तेमाल जो है वो कम कर सकते हैं। तो मैंने जो है एक साइड पे रख दिया था फ्राई पैन, सॉरी हांडी रख दी थी दूसरी पानी को बॉयल होने के लिए। उसके अंदर मैंने नमक ऐड किया था और ऑयल ऐड किया था, और हमारे चावल जो मैंने जो है भिगो दिए थे तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले, इतना टाइम उसको हो चुका था। तो फिर जो है मैं उस पानी में चावल ऐड कर दूंगी, जब हमारा पानी उबलना शुरू हो जाएगा मैं उसमें चावल ऐड कर दूंगी, और 7 से 8 मिनट में हमारे जो है वो चावल 80 to 90% जो है वो गल जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ एक कनी रखनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जी ये हो गया था, अच्छे से मसाला भुन गया था, तो मैं अब इसमें जो है वो दही ऐड करके इसको मज़ीद भुनाई करूँगी इसकी। जब हमारा मसाला जो है वो ऑयल दोबारा से अच्छे से छोड़ देगा तो हमारा बिरयानी का मसाला जो है वो तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे जो हैं वो चावल मैं पानी में डालने लगी हूँ, इसको जो है मैं 7 से 8 मिनट तक फ्राई उबाल कर लूँगी। जब हमारे चावल जो हैं वो गल जाएंगे तो फिर हम इसके दम लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे चावल जो हैं वो कुक हो गए थे। हमने इसके ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि हमने जो बिरयानी दम वाली बिरयानी बना रहे होते हैं उसमें हमने फुली कुक नहीं करने होते चावल, जब बॉयल कर रहे होते हैं हमने 80 या 90% उसको कुक करना होता है, बाकी 10% वो दम में हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था छलनी ले ली थी, इसमें मैं छानूंगी चावल को और फिर मैं दम लगाऊंगी। सबसे पहले मैंने क्या किया है जी, मैंने चिकन डाला है, फिर उसके ऊपर मैं चावल डालूंगी और फिर चिकन डालूंगी, फिर चावल डालूंगी, और फिर जो है मैं इसमें जर्दे का कलर ऐड करूंगी, ठीक है। फूड कलर अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो आप ना ऐड करें, अदरवाइज़ जो है वो थोड़ा सा अच्छा लगता है। ज़्यादा कलर भी ऐड ना करें, क्योंकि बिरयानी में जो है वाइट चावल नज़र ना आए तो फिर वो बिरयानी लगती ही नहीं है, तो इसलिए जो है वो कम फूड कलर ऐड करें।
तो वो जो है फिर अच्छा टेक्सचर आता है उसका। तो ये मैंने बहुत क्विकली, बहुत इजी और झटपट जो है वो बनने वाली बिरयानी की रेसिपी शेयर की है आप लोगों के साथ। कुछ भी मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, प्याज फ्राई करके, लेमन, पुदीना, कुछ भी ऐसा ऐड नहीं किया। ये बहुत जल्दी, बहुत क्विकली बन जाती हैं। तो बिरयानी लवर्स लाजमी ट्राई करें इस तरीके से, इससे टाइम भी बच जाता है और हमें बिरयानी भी मिल जाती है। तो यहाँ पे हमारा दम हो चुका था, तब दम मैंने लगाया था तवे पे रख के इसको 10 मिनट के लिए, और हमारे अच्छे से क्विकली जो है वो बिरयानी तैयार हो गई है। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।